बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कवानीन तो बहुत हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कानून की पामाली भी हमारे मुल्क में उससे कहीं ज़्यादा है। अभी हाल ही में ये इंकशाफ हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके कई शक्लें हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान बैरून मुल्क से जो मवेशी मंगवाता है, जो बकरियाँ, भेड़ें, भैंसें, गाय वगैरह जो मंगवाता है, उनकी आड़ में भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और इसके अलावा जो पोल्ट्री की सनत है वो भी हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और फिर मामला यही नहीं रुकता, बल्कि आगे बढ़कर ये भी मालूम हुआ है कि ये जो बाहर से जानवर मंगवाए जाते हैं, इनके साथ बड़े पैमाने पे बीमारियां आती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, ये सारा सिलसिला रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, इन बीमारियों को रोकने के लिए और पोल्ट्री की सनत की छान फटक के लिए, ताकि आवाम जो है वो ख़तरनाक बीमारियों का शिकार ना हो सके। लेकिन चूंकि जिन्होंने इस कानून को नाफज करना है वो बेअसर हो जाते हैं माफिया के सामने। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नसीम साहब, हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि बैरून मुल्क से जो मवेशी मंगवाए जाते हैं, उनकी आड़ में अंडर इनवाइस और ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितनी भी ये गायें बाहर से आ रही है ना, ये 10-12 साल से जानवर जो है ना, गायें इम्पोर्टेड जानवर जो है ना, ये बाहर से, खासतौर पे पहले ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, अब अमेरिका से है, हॉलैंड से है और यूरोप के कुछ और ममालिक से। बाहर जो है ऐसे भी कंपनियां हैं जहाँ पे फादर जो है उनके मालिक है वो बाहर बैठे हुए हैं और वो सारे पैसे का अरेंज बाहर से करते हैं। यहाँ से जो है ना वो बाहर से जानवर सेलेक्ट कर इधर भेजते हैं। असल में यह है कि जानवर की कीमत जो है वो अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं 1000 से लेकर 1200 डॉलर तक। असल में इसकी जो प्राइस है वो 2600 से लेकर 2800 डॉलर तक है। आगे जो फार्मर को देते हैं वो 3200 डॉलर के करीब देते हैं। एक तो ये जो लाइव एनिमल आ रहे हैं इसमें अंडर इनवॉइसिंग है, दूसरी जो है जितनी भी दूध देने वाली मशीनें हैं उसमें अंडर इनवॉइसिंग है, उसमें बहुत ही हैवी अंडर इनवॉइसिंग है। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो डिक्लेयर ही 10 रुपये की करते हैं। आप अगर कोई बंदा जेन्युइन काम करना चाहता है तो वो 100 रुपये पे टैक्स देगा तो वो मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि चंद कंपनियां, जो ये चंद कंपनियां जो जानवर मंगा रही हैं और जो मशीनरी मंगा रही हैं वो अदारों के साथ मिलकर कर रही है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट का काम है। आरएडी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर गए हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को गए हैं कि ये अंडर इनवॉइसिंग को रोके। और ये अंडर इनवॉइसिंग भी एक तो अरबों रुपये का नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है, दूसरी बदकिस्मती से ये कि ये जो बाकी पेमेंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर जा रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रोके ताकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल है, मेरे दाती ख्याल के मुताबिक जानवर बाहर से इंपोर्ट होने ही नहीं चाहिए, खासतौर पर डेयरी का। इसका ये तरीका होना चाहिए कि जैसे अब अमेरिका है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील में 250-300 लेबॉरेटरी बनाई गई है कि जो वहाँ पे जो अच्छे दूध देने वाले जानवर हैं उनके जो अंडे लेके आगे जो वो लेबॉरेटरी में उसको एम्ब्रियो वो फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद वो एम्ब्रियो जो है दूसरे जानवरों में करके तो आगे वो करते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी अगर ये इन चीज़ों पे 100% पाबंदी लगाई जाए, ताकि जितने भी हमारे जहाँ पे दूध अच्छे देने वाले जानवर हैं उन तरीक़ों की तरह से, जैसे ब्राज़ील में 250-300 लेबॉरेटरी बनी है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी प्राइवेट सेक्टर को आगे ला के गवर्नमेंट इसको हेल्प करे। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो हमारे जानवर हैं, साहिवाल है, चूलस्तान है, भावलपुर है या वो सिंध की हैं, इन जानवरों को हम हमारी, क्योंकि ये नस्ल तबाह कर दी गई है हमारे। अच्छा। तो वो कोई गवर्नमेंट अदारे हैं ही नहीं जो इसको बचा सकते। अब इस तरीके से ये, यानी आपके कहने का मकसद है, एक तो जानवरों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और दूसरा जो हमारे अपने मुल्क की नस्लें हैं जानवरों की, साहिवाल वगैरह जो आपने जिक्र किया, उनको बर्बाद कर दिया गया। सर, साहिवाल की जानवर जो आपकी, जो ऑस्ट्रेलिया में भी साहिवाल की नस्ल जो है गई हुई है, यूरोप में भी आपकी साहिवाल की नस्ल गई है, उन्होंने तो हमारे यहाँ से जानवर मंगवा के तो वहाँ पे उनसे अच्छे रिजल्ट लिए। हमारी बात किस्मत यह है कि हमारे अभी तक हम वो सीमन में लगे हुए हैं या जानवर बाहर, और जितने भी बाहर से जानवर आ रहे हैं सब स्टैंडर्ड है। ये फार्मर को तो इसी दो नंबर धंधे का कौन जिम्मेदार है? एफआईए जिम्मेदार है, पाकिस्तान का शुबा ज़राअत जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका? सर, इसमें तो ये गवर्नमेंट का काम है कि इनको टोटली पाबंदी लगाई जाए। दूसरी जो अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो अंडर इनवॉइसिंग जो है एफबीआर का काम है। दूसरा जो अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसमें एफआईए का काम है कि इनको रोके, इनके 10 साल के रिकॉर्ड चेक करें, 10 साल के रिकॉर्ड में चेक करके पता चल जाएगा कि भाई ये कितनी के लूटमार मचाई हुई इन कंपनियों ने। ये चंद बंदे हैं लेकिन ये हमारे सरकारी इदारे जो है वो भी माफिया के साथ मिले हुए, वो कंट्रोल नहीं कर सकते।
अच्छा चौधरी साहब, ये डेयरी मशीनरी जो है और पोल्ट्री का ग्रैंड पेरेंट और पालतू जानवरों के हवाले से ये क्या बला है? डेयरी मशीनरी में ये है कि जितनी भी ये मतलब ज्यादा माल आ रहा है तुर्की से आ रहा है या कुछ चाइना से आ रहा है, वहां पे भी हैवी मतलब बहुत ज्यादा अंडरमाइसिंग कर रहे हैं। 100 रुपए की चीज 10 रुपए डिक्लेयर करते हैं। ये इदारों को भी पता है कि यार कितने की चाह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मत यह है कि भाई कोई भी इनको फोकस करना नहीं चाह रहा। दूसरी जो एनिमल क्वारंटीन का काम है, जितने भी ये गायें आ रही हैं बाहर से, ये इनका काम है कि कम अज कम 15 दिन वहां पे लहदा हाउसेज में रखें, लहदा रख के इनके तमाम टेस्ट करें कि या क्या वहां की बीमारियां तो पाकिस्तान में नहीं फैला रही। पहले हमारे इतनी वैक्सीनें नहीं जा रही थी जितनी वैक्सीनें अब जानवरों में, हमारे हर साल कोई ना कोई आउटब्रेक होती है जानवरों में। तो जितने भी ऐसे भी कोई बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में जा सकती है, तो ये कंट्रोल करना जो है ये एनिमल क्वारंटीन का काम है। वो तो जानवर आने से पहले सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमारे एक अदारे ने कुछ घोड़े दिए थे बाहर यूरोप के किसी मुल्क को, अच्छा। आर्मी चीफ को वहां पे एज ए गिफ्ट भेजे थे, उन्होंने अच्छा। वहां पे एयरपोर्ट पे ही वो घोड़े मार दिए थे। एक मिसाल तो ये है, क्यों मार दिए? मार इसलिए दिए थे कि पाकिस्तान की जो बीमारियां घोड़ों में वहां पे न जाए। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से अब जो जानवर बाहर से आ रहे हैं, तो हमारा कोई इदारे नहीं है उनको भी देखने के लिए, इसके लिए कानून ही नहीं है या इदारा मौजूद है? इदारा मिला हुआ, इदारे मौजूद है, इदारे भाई इनका काम देखे। फिर आप ये तो ना कहना कि कोई कानून ही नहीं है, कानून मौजूद है, लोग मौजूद हैं, लेकिन वो इतने दो नंबर हो चुके हैं, सब माफिया का हिस्सा। दूसरी बात ये है कि ये पोल्ट्री के आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं बाहर से, इनमें आप चेक करें कि साल्मोनेला तो नहीं है, माइकोप्लाज्मा तो नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि कोई चीज बाहर से भेजते हैं, वो वहां पे उन्होंने बनाई हुई है लहदा जगह, वहां पे देखते हैं, चेक करने के बाद फिर वो इजाजत देते हैं कि अभी आपकी ये चीजें जा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पोल्ट्री की जो सनत है, जो पोल्ट्री की खुराक के लिए जो बाहर से आइटम मंगवाए जाते हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं हमारे मुल्क में? असल में ये जो जीपी जो ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक्स आ रहे हैं, ये एनिमल क्वारंटाइन का काम है, उनको वो चेक करें कि वो बाहर से बीमारियां तो नहीं आ रही, लेकिन हमारा तो काम ही कोई नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि हर चीज जो भी मादर पेड़ आजादी है हमारे, आप सब प्राइवेट सेक्टर को भी, हर सेक्टर को जो मर्जी दिल चाहे आप कर सकते। जैसे आप देखे गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही थी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, बिल को, तो वो आपने इतनी गाड़ियां बाहर से मंगवाई हैं कि आपकी हर चीज इम्बेलेंस होगी। इसी तरीके से जो गायें आ रही हैं बाहर से, वो भी आपके करोड़ों रुपए की जो मतलब करोड़ों डॉलरों में आपकी जो इम्पोर्ट हो रही है, आप इसको खत्म करें ताकि कौम का नुकसान तो ना हो। आपके पास 2 लाख जानवर जो है बाहर से ऑलरेडी मौजूद है, उन 2 लाख जानवर से आप अंडा लें, उसके फर्टाइल अंडा लें और उसको जो ना आप लेबोरेटरी में उसको मेल के स्पर्म के साथ उसको डेवलप करें, एम्ब्रियो बनाएं, एम्ब्रियो का आगे जानवर दूसरे जानवर से आप करें। लेकिन चौधरी साहब, ये तो आपने इंटरनेशनल बात की है डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ जो हमारे मुल्क में भैंसे गायें मौजूद हैं, उनको हम बूस्टर लगाते हैं, और बूस्टर एक बहुत बड़ी बीमारी जो कैंसर का भी बायस है, इसके अलावा हमारी बच्चियों में कबलस वक्त बलूगत पैदा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जितनी डेयरीज हैं यहाँ पे, जो फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे भैंसों को बूस्टर लगा के दूध लेते हैं। बूस्टर को तो सर ये तो सारा क्रेडिट जाता है, वो एक तो पंजाब के जो सेक्टरी थे उनका, दूसरा ये था ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने की वजह से ये बूस्टर जो है बंद हुआ है, वरना तो ये इंजेक्शन लगा लगा के हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसानों को देखें। नहीं, आप यकीन मानते हैं इस बात को कि बूस्टर बंद हो गया? मैं तो कहता हूँ कि अभी वो मिलता महंगा है और ब्लैक में मिलता है, दस्तयाब है बूस्टर तो। सर वो आपकी जो जितनी भी मार्केट है कराची की, वहां तो हर चीज अवेलेबल है ना, वो तो समगल होते रहे हैं पहले भी, जितने भी बाहर से आते रहे, नाम बदल बदल के लोग मंगवाते रहे। बहरहाल ये है कि ये तो इनका काम है ना कि भाई ये इनको कंट्रोल करे। सही है। सुप्रीम कोर्ट का काम था, उन्होंने बैन कर दिए, अब आगे अदारों का काम। सुप्रीम कोर्ट तो देखे फैसले सुनाती है, उन फैसलों पे अमल दरामद कर भी तो करवाना है ना, वो तो गवर्नमेंट इनके अदारों का काम है, वो उनको कंट्रोल करे। दूसरी ये है कि जो मतलब पोल्ट्री की जो बात है, पोल्ट्री के जितने भी ये जीपी बाहर से आ रहे हैं, उनकी जो डिजीजेज हैं वो इनका एनिमल क्वारंटाइन का काम है ये कि इनको कंट्रोल करें ताकि उनको चेक करें। ये इसी तरीके से जो जानवर बाहर से आ रहे हैं उनको भी चेक करें, 15 दिन वहां पे रखें, उनको रख के उनके ब्लड सैंपल्स लें। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि ये पिछले एक गवर्नमेंट में एक सियासतदान की जानवर बाहर से आए थे, तो एनिमल क्वारंटाइन जो है वो चनोट में जाकर उन्होंने सारे वो सर्टिफिकेट बना दिया। हमारी तो बदकिस्मत यही है कि कानून को तो ऐसे हम लपेटते हैं जैसे वो घर की लौंडी है। जी, तो नाज़रीन डॉक्टर नसीम साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज़ब माशरों से हम कितनी दूर हैं और महज़ब माशरा बनने के लिए हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। बड़ा मुश्किल है ये काम,
लेकिन तवक्को रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतरी आएगी। लेकिन लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ कानून की पामाली होती है, मुझे नहीं उम्मीद कि ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिलसिला जो है जानवरों के जरिए जो हो रही है वो रुक पाएगा, या जानवरों के जरिए जो बीमारियां बाहर से आ रही हैं उनको रोका जा सकेगा, या इसके अलावा जो ऐसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बीमार जानवर यहाँ लाए जाते हैं उनको चेकिंग का कोई कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो माफिया के साथ मिले हुए हैं, और ना ही हम अपनी जो हमारे अपने जानवर हैं उनकी नस्लों को बचा पाएंगे, बल्कि उनको बर्बाद करने के लिए सिर्फ इसलिए कोशिश करते हैं ताकि हमारा बाहर से खाता खुला रहे। शमशाद मांगट और डॉक्टर नसीम साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।